जयपुर से खबर है, अहमदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। बजाज नगर निवासी एक छात्र के मोबाइल से बम की सूचना मिली है। दरअसल उनके मोबाइल से ही बम की सूचना दी गई है। अब छात्र के पिता ने बजाज नगर थाने में दर्ज करवाया मामला। अज्ञात पर बेटे का मोबाइल हैक करने का आरोप लगाया। मोबाइल हैक कर अहमदाबाद स्थित यूनिवर्सिटी में बम रखे होने की सूचना देने का आरोप है। दरअसल छात्र करता है उसी यूनिवर्सिटी में स्टडी। अब बजाज नगर थाना प्रभारी ममता मीणा इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जरा सोचिएगा कि अगर वाकई में पूरा मामला सही पाया जाता है कि उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का मोबाइल ही हैक कर लिया गया है, जैसे कि मामला दर्ज हुआ है, तो फिर कितने आगे लेवल तक पहुंच चुका है हैकर कि किसी के फोन से भी धमकी मिल सकती है और पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हैकर है कौन, आखिर धमकी देने वाला है कौन। फिलहाल ये बम की धमकी है और ऐसे में एहतियात बरतनी बेहद जरूरी। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी इस तरह के मामलों में। और हालांकि लेकिन बम थ्रेट मिलने की जो खबरें हैं अभी आम हो चली है। कल भी ऐसा मामला सामने आया था, पिछले दिनों पहले भी ऐसा मामला सामने आया था। फिलहाल जांच जारी है। हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, क्योंकि बेहद चिंतित करने वाला ये मामला, एक तरफ तो बम थ्रेट और दूसरी तरफ किसी का मोबाइल हैक करके हैकर्स ने धमकी दी है, तो एक नया तरीका इजाद कर लिया है। ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी से सत्यनारायण शर्मा से, क्योंकि बेहद जरूरी है ये जानना कि क्या कुछ पता चल पाया, कब की घटना है, मामला दर्ज हो चुका है। और क्योंकि वो जो छात्र है जिसके मोबाइल से सूचना आई है, वो उसे यूनिवर्सिटी में ही स्टडी करता है। हमारे सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा कि एक तो बॉम्ब थ्रेट है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट का मोबाइल हैक करके धमकी दी गई है, तो एक नया तरीका इजाद किया हैकर्स ने। अगर ये सच्चाई वाकई में सामने आती है तो फिर कैसे पता चल पाएगा कि आखिर हैकर है कौन? ये वाकई में डराने वाला विषय है। जरा अपडेट दीजिएगा किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, गंभीर घटना है। विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला छात्र अपने घर पर जयपुर आया हुआ था और उसी के मोबाइल को हैक करके उसी के विश्वविद्यालय के अंदर यह बम होने की धमकी दी गई। हालांकि बम की सूचना मिलते ही अहमदाबाद पुलिस ने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन चलाने के पश्चात उनको जब आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो पता लगा कि जयपुर के बजाज इलाके का है और यहाँ की पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद में जब पूरी जांच की गई तो सामने आया कि जो छात्र है उसका मोबाइल हैक करने के पश्चात इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये शरारत हो सकती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पुलिस ने पिता, जो छात्र है उसके पिता के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अब एक पुलिस टीम अहमदाबाद भेजी जा रही है जिससे कि वहां पर जिस मोबाइल पर यह धमकी वाला मेल आया है, मैसेज आया है, उसकी तहकीकात की जा सके और साथ साथ या तो किसी छात्र जो सहपाठी है उसकी ये शरारत हो सकती है या फिर कोई अन्य कोई गिरोह हो सकता है। तो ऐसे में जयपुर पुलिस और अहमदाबाद पुलिस दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अहमदाबाद के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज इस बाबत हुआ है, तो ऐसे में दोनों मुकदमों को कॉमन करके एक फाइल में करके दोनों मुकदमों की जांच की जा रही है और बजाज नगर थाना प्रभारी ममता मीणा इस मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सहपाठी या फिर अन्य कोई आरोपी है, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है जिससे कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। पूनम, चलिए आईपी एड्रेस कब तक मिल पाता है, कैसे ट्रेस होगा, ये भी हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, क्योंकि बेहद डराने वाला विषय है। चलिए